जी दोस्तों, आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे कैसे पता कर सकते हैं कि जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, कैसे पता किया जाता है? सबसे आसान तरीका से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करना है तो जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा आपका लोगो, तो यहाँ पर वो वाला जीमेल आईडी आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद वहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है? तो आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देते हैं, आप अपना जीमेल आईडी देख लीजिएगा कि आपका जीमेल आईडी यही है ना, और जीमेल आईडी ये है। तो आपको वहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़े से आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, होम पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा के सिक्योरिटी। तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आ जाना है स्क्रॉल करके, ठीक है? तो इसको स्क्रॉल करता हूँ, सिक्योरिटी पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको यहाँ पर दिखा देगा लास्ट चेंज 6 दिसंबर को मेरा पासपोर्ट चेंज हुआ है। तो पासपोर्ट पता कैसे करना है, इसका पासपोर्ट सही में मुझे याद नहीं है, सही बोल रहा हूँ सर? तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपका जो लास्ट वाला पासपोर्ट चेंज किस तारीख को हुआ है। यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है, पासपोर्ट यहाँ पर लास्ट चेंज 15 जनवरी को मेरा पासपोर्ट चेंज हुआ है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, ठीक है ना? आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपका जीमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा, आपको देख लेना है जीमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड इंटर करने का बोल रहा है, बट आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है? फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है, कन्फर्म योर स्क्रीन लॉक, इंटर योर पासवर्ड और ट्राई डू अनदर वे साइन इन, ठीक है? तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। आपको जो भी स्क्रीन लॉक है उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। चलिए मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक कर रहा हूँ। जो भी मेरा फ़ोन का स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक होने के बाद जो खुलता है वहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज पिन, UPI पिन यहाँ पर यूज कर दे रहा हूँ, जो मेरा फ़ोन का लॉक स्क्रीन है उसे डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर कन्फर्म कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, न्यू पासवर्ड, ठीक है ना? आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है और उसे यहाँ पर कन्फर्म करना है, चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। और जो पासवर्ड अभी यहाँ पर आप इंटर कीजिएगा, पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, वो पासवर्ड आप याद कर लीजिएगा, आपका पासवर्ड मालूम पड़ जाएगा। यानी आपका जो पासवर्ड था वो उसको भान उसको छोड़िए, वो पासवर्ड को भूल जाइए। जो आपको नया पासवर्ड अभी इंटर कर रहे हैं इस पासवर्ड को याद कर लीजिए, यही आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड बन जाएगा दोस्तों। यानी पासवर्ड बिना फ़ोन नंबर, बिना मोबाइल नंबर, बिना पासवर्ड मालूम होते हुए भी पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए। इस वीडियो में यही बताया हूँ। आप ध्यान से, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।